हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नियो वर्ल्ड टेक में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस भर्ती की हम बात करेंगे वो है प्राइमरी टीचर की निकली बम्पर भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, बम्पर भर्ती है शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये भर्ती निकाली जा रही है। टोटल 10,000 से भी अधिक पदों पर ये बम्पर भर्ती है। और अगर आप गर्ल्स हैं तो स्पेशली आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स जरूर आवेदन कीजिएगा। यहाँ पर 10,000 से भी अधिक पदों पर यह वैकेंसी है और एज लिमिट 21 से 45 साल यहाँ आयु सीमा दी गई है। पूरी भर्ती की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और एप्लीकेशन फीस क्या है, कैसे आपको आवेदन करना होगा। क्योंकि दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। तो चलिए सीधा भर्ती की ओर चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर जाने से पहले हम आपको हमारी वेबसाइट के द्वारा आपको पूरी भर्ती की जानकारी देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कर्नाटक की तरफ से ये भर्ती निकाली जा रही है। ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर के पदों पर ये वैकेंसी निकाली जा रही है, ठीक है। और यहां पर जो आवेदन का प्रोसेस है सिर्फ ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। टोटल वैकेंसी 10,611 पदों पर है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 साल कम से कम है और अधिकतम जो है 45 वर्ष दी गई है, ठीक है। और आयु सीमा में छूट भी होगी यहां पर। एज पर गवर्नमेंट सोर्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स को यहां पर आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। जैसा कि एससी एसटी को 5 साल की छूट होगी और ओबीसी को 3 साल की, बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी यहां पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ग्रेजुएट के अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आप एमए एमकॉम या फिर अगर आप बीएड करे हुए हैं, सीटेट करे हुए हैं, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, इसकी 20 मार्च लास्ट डेट थी, इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है, 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। और यहां पर आपकी फर्स्ट जो एग्जाम होगी 18 से 19 मई के बीच में होगी और आपकी जो सेकंड एग्जाम होगी 25 से 26 मई के बीच में होगी। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको सभी आवेदन करने के लिंक मिल जाएंगे, और सेकंड लिंक मिल जाएगा और यहां पर नोटिफिकेशन भी, शॉर्ट नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट, इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां जाकर के आप पूरी भर्ती की जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की हो, बैंक की हो, एसएससी की हो, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप सभी के लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्जाम क्लासेस अड्डा के नाम से है। जी हाँ दोस्तों, इस एग्जाम क्लासेस अड्डा पे आप जाएं, यहां पर आपको सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी, क्योंकि हमने आज से ही इस क्लासेस को शुरू किया है और यहां पर आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगी, यहां पर जनरल साइंस भी आपको देखने को मिलेगी, सभी आपको सारी की सारी आपको पर कोचिंग क्लासेस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको फ्री में स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा पीडीएफ के तौर पे, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम जल्द ही उस पर काफी सारी क्लासेस शुरू करने वाले हैं और यहां पर आपको बता दें पूरी टीम मिलकर यहां पर काम करने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।